देना बैंक पतेई खालसा के शाखा प्रबंधक पर 3 खाता धारकों ने लगाया लोन लेने के नाम पर 20% लेने का आरोप। जनपद अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र के गांव ननहेड़ा राजपूत के 2 युवक व 1 युवती ने प्रथमा बैंक शाखा पतेई खालसा के शाखा प्रबंधक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जनपद अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र के गाँव ननहेड़ा राजपूत के रहने वाले 2 युवक व 1 युवती ममता पत्नी राहुल, अंकुल पुत्र रामकिशोर, अंकुल पुत्र छोटेलाल कलेक्ट्रेट अमरोहा में जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा को प्रथमा बैंक शाखा फतेही खालसा के मैनेजर के खिलाफ शिकायती पत्र देने आए पीड़ितों में ममता के देवर आनंद चौहान ने पूरे मामले की जानकारी में बताया कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के अंतर्गत प्रथमा बैंक शाखा पतेई खालसा में लोन के लिए फाइल अप्लाई की थी। मैनेजर द्वारा सर्वे होने के बाद भी फाइल को रोक दिया गया। जब पीड़ित मैनेजर के पास लोन के लिए गए तो बैंक मैनेजर ने पीड़ितों से लोन करने के लिए 20% की मांग की। पीड़ितों ने 20% देने से इनकार कर दिया तो बैंक मैनेजर ने फाइल को रोक दिया, कहा कि यदि आप 20% तभी आपकी फाइल पास होगी। मजबूर होकर पीड़ित अमरोहा कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी महोदय के पास बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया और शिकायती पत्र में पीड़ितों ने बैंक मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और रुके हुए कार्य को पूरा करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद चौहान है। आनंद चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? ननहेड़ा राजपूत पोस्ट पदे हाल का थाना डिडौली तहसील अमरोहा जिला अमरोहा। जी बताइए, आज डीएम साहब के पास? मैं आज डीएम साहब के पास हम लोग आए थे 3 लोग। हमने फाइल जमा करी थी लोन के लिए, प्रथमा बैंक से पास कराई थी हमने, प्रथमा पतेई खालसा से। तो वहाँ शाखा प्रबंधक जो हैं वो हमें फाइल पास करने के लिए 20% मांग रहे हैं उसका, और हमने उन्हें देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने हमारी फाइल वापस लौटा दी है। इसीलिए हम यहाँ पर आए थे डीएम साहब के पास। क्या चाहते हैं इसमें? हम उसमें चाहते कि हमारा फाइल पास हो और उनके पास कार्यवाही करी जाए उनके खिलाफ। क्या नाम है बैंक प्रबंधक का? तो डीएम साहब ने क्या शासन दिया? डीएम साहब ने बोला पूरी कार्रवाई की जाएगी, आपके पास मैसेज दीजिए।